आज हम लोग 12th चैप्टर के ऊपर गीता का जो 12वां अध्याय है उसके ऊपर आलोचना करेंगे। 12वां अध्याय जो है जिसमें भगवान ने भक्ति योग बोला है गीता के मध्य में, तो ये 12वां अध्याय जो है अंतिम अध्याय है जिसमें भगवान ने स्पष्ट रूप से पूर्ण भक्ति के बारे में बताया है। तो इसकी शुरुआत होती है जिसमें अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु इस जगत में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो वो हैं जो आपके स्वरूप की, श्याम सुंदर स्वरूप की उपासना करते हैं, और एक ऐसे हैं जो कि निर्विकार अक्षर ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं। तो इन दोनों में से, इन दोनों की क्या गति होती है और इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, ये अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि जब तक एक जीव के हृदय के अंदर ये वाला भाव रहेगा कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, जब तक उसके अंदर ये भाव नहीं आएगा कि मैं भगवान का दास हूँ, वो कभी भी भक्ति में आ नहीं सकता। तो यहाँ पे वो इस जब संशय को भगवान से पूछते हैं तो भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाचा, मया आवेश्या मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर्या उपेतास्ते युक्त तमा मता। भगवान कह रहे हैं मेरी मत में अर्जुन, मेरी मत में युक्त तमा मता, मेरी मत में कौन श्रेष्ठ है, मया आवेश्या मनो। यहाँ पे जब भगवान कह रहे हैं ना मया आवेश्या मनो, यानी कि जो अपने मन को मेरे अंदर आविष्ट करते हैं, मेरे अंदर का अर्थ क्या है, श्याम सुंदर शिखंड शेखर सुमेर हास्य मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निदेस्व प्रिय चरणम किं करें गुरु। कैसे भगवान का स्वरूप है, श्याम सुंदर, जो अपने मन को श्याम सुंदर, कि हमारे जो ठाकुर हैं वो कैसे हैं, श्याम सुंदर हैं, श्याम सुंदर शिखंड शेखर, जो अपने सर पे मोर मुकुट धारण करते हैं, समेर हास्य, जो बड़ा सुंदर सुंदर उनकी एक मुस्कान है, कैसी उनका हास्य है, अर्जुन को भीष्म पितामह ने बोला था, अर्जुन तेरे तर्कस में ऐसा कोई बाण नहीं है जिसका मैं काट नहीं सकता, तेरे सर्कस के सारे बाणों को मैं काट सकता हूँ, लेकिन एक तेरे पास एक ऐसा बाण है जिसको मैं कभी काट नहीं सकता, जो मुझे क्या करता है, घायल कर देता है, वो क्या है, जो तेरा सारथी है कृष्ण, इसकी जो मुस्कान है। तो भगवान कह रहे हैं मया अवेश्या मनो, जो मेरे अंदर अविष्ट होकर क्या करता है, मेरे इस स्वरूप में अविष्ट अपने मन को लगाता है, ये माम नित्य युक्त उपासते, मेरी उपासना करता है, उपासना करते सेवा करता है। तो सेवा कब होगी, जब भगवान का स्वरूप होगा तभी तो सेवा होगी। जिसका हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसके आंख नहीं है, जिसका नाम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, उसकी सेवा क्या करोगे। तो इसलिए कह रहे हैं श्रद्धा परोपेतस्ते में युक्तमा मता, जो श्रद्धा पूर्वक मेरे स्वरूप में अपने मन को लगा के भजन करते हैं, मेरी मत में तो अर्जुन वो ही श्रेष्ठ है। और इसकी टीका में हमारे गुरुदेव बताते हैं कि यहाँ पे श्रद्धा का अर्थ क्या है, श्रद्धा का अर्थ होता है श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत होए। कैसी श्रद्धा होनी चाहिए कृष्ण भक्त को, कृष्ण भक्त को श्रद्धा जो है बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए कि अरे भगवान है भी या नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ कोरोना फैल रहा है, सब लोग मरते जा रहे हैं, अब इस ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, श्रद्धा लोगों की डगमगा जाती है, कई लोग तो क्या होते हैं पूरे नास्तिक बन जाते हैं, अरे भगवान तो होते ही नहीं है, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद कितने लोग नास्तिक बन गए थे विदेशों में, अरे अगर भगवान होता तो इतनी मृत्यु थोड़ी ना होती। और कई लोग क्या होते हैं बहुत आस्तिक भी बन जाते हैं, उनको विश्वास हो जाता है कि नहीं नहीं हमने देख लिया इस जगत में कोई किसी की भी चलती नहीं है, बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री हो, सब बड़े से बड़ा देश चलाने वाले सब कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। तो इसलिए सब कुछ करने वाले कौन है, कृष्ण ही सब कुछ करने वाले हैं। अभी आज से कुछ महीने पहले हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बोला था, उनकी वीडियो है ये, जिसमें उन्होंने बोला था कि कुछ लोगों ने भविष्यवाणी करी थी कि ये कोरोना क्या करेगा, भारत में एक बहुत बड़े एपिडेमिक्स के रूप में आएगा, जिसमें महामारी के रूप में, जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे, करोड़ों लोगों को कोरोना होगा। अभी उन्होंने कुछ महीने पहले ये टीवी पे आके बोल रहे थे, लेकिन देखो हमारी सरकार ने, हमारी सरकार ने क्या किया, कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली है। कहाँ गया कोरोना, कोरोना देश से हमारे बिल्कुल जाने वाला है, और उसके कुछ ही हफ्ते बाद देखते हैं तो कितना बड़ा कुछ हो जाता है। तो इंसान के हाथ में क्या है, इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसके हाथ में है, कृष्ण के हाथ में है। तो जिसकी श्रद्धा होती है, श्रद्धा का अर्थ होता है दृढ़ विश्वास, पूर्ण विश्वास होना, यहाँ तक कि जब ऐसी अवस्था आ जाए कि श्रद्धा डगमगाने लगे तब भी उसकी जो भक्त होगा श्रद्धा डगमाई कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगी।
तो यहाँ पे बताते हैं कि पूर्ण भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरे मन में अपने चित्त को अविष्ट करके भजन करते हैं वो ही कौन है, मेरी मत में वो ही सबसे उत्तम भक्त है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को संयमित करके क्या करते हैं, जो कि ब्रह्म है, जो भगवान के चरणों से ज्योति निकली है, जो कि सर्वव्यापी है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है वो, और उसमें अपने मन को अक्षर ब्रह्म में जो अपने मन को अविष्ट करने की उपासना करते हैं वो भी मुझे प्राप्त होते हैं। अब वो भी मुझे प्राप्त होते हैं का अर्थ क्या है कि देखो अर्जुन, कि जो मेरे भक्त हैं वो तो उन्होंने मेरी उपासना कैसे करी है, उन्होंने मेरी उपासना करी है मुझे सच्चिदानंद मान के। तो मैं अपने भक्त को क्या करता हूँ, मैं अपने भक्त का देवी सच्चिदानंद कर देता हूँ। लेकिन जो मेरी उपासना करता है कि नहीं नहीं इनका तो रूप ही नहीं है, इनकी तो केवल एक ज्योति है, केवल ये आकार, इनका कोई आकार नहीं है, निर्विकार है, इनका कोई आकार ही नहीं है, ये केवल एक ज्योति स्वरूप है। तो इस प्रकार से जो मेरी उपासना करते हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ, उनके लिए मैं अपना श्याम सुंदर स्वरूप प्रकट नहीं करता, उनके सामने मैं अपनी जो अंग कांति है ज्योति उसी को ही प्रकाशित करता हूँ, और उसको फिर मैं अपना सच्चिदानंद देह ना दिखाता हूँ, ना ही मैं उसको सच्चिदानंद करता हूँ, उसको मैं क्या करता हूँ, स्पिरिचुअल सुसाइड, उसको मैं फिर क्या करता हूँ, उससे मैं ये शरीर भी छीन लेता हूँ और उसके बाद वो सुषुप्त अवस्था में उस ज्योति माँ के केवल सोया रहता है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, उनके लिए फिर भगवान आगे कहते हैं अर्जुन देखो इन लोगों के साथ क्या होता है, क्लेशो अधिष्ठते शाम अव्यक्त आसक्त चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहे अद्भिर्व्याप्यते, कि इनकी तो गति दुख में ही जाती है। कैसे, क्लेशो अधिष्ठते शाम, बहुत क्लेश करके, बहुत इनको क्लेश होता है, यानी कि बहुत कष्ट करके लोग क्या करते हैं, ब्रह्म स्वरूप में जो मेरी अंग कांति है उसमें अपने मन को आसक्त करने के लिए, अपने चित्त को उसमें आसक्त करने के लिए बहुत क्लेश करना पड़ता है, बहुत कष्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी वस्तु जिसका नाम नहीं है, एक ऐसी वस्तु जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसकी कोई विशेषता ही नहीं है, जिसका कोई गुण ही नहीं है, उससे मन को कैसे लगाओगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बहुत कष्ट करके अपने मन को उस मेरे जो ब्रह्म स्वरूप है उसमें आसक्त करते हैं, और इसके बाद साधन में तो उनको कष्ट होता ही है, और उसमें जब सिद्ध अवस्था हो जाती है, जब उनकी पूरी वो हो जाती है, सिद्धि हो जाती है मन उसमें अविष्ट होने के बाद, जब उनको वो वस्तु प्राप्त होती है, तब भी क्या होता है अर्जुन, तब भी उनको दुख ही मिलता है। इसलिए जो निर्विशेष ब्रह्म के जो उपासक है उनको साधन काल में भी दुख मिल रहा है, और उनको सिद्ध अवस्था, जब उनकी अवस्था सिद्ध हो गई उनको तब भी दुख मिल रहा है, दोनों अवस्था में ही उनको दुख मिलता है। लेकिन मेरे भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता, जो मेरे भक्त हैं उनके साथ कैसा होता है, मेरे भक्त जो है वो साधन काल में भी बहुत आनंदित रहते हैं, और जब सिद्ध हो जाते हैं तब तो कहना ही क्या, तब तो उनको साक्षात कृष्ण आनंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बताया कि जो भगवान के भक्त हैं उनको साधन में भी आनंद है। उदाहरण दिया कैसे, जैसे एक बच्चे को बुखार हो गया तो उसको बुखार के लिए क्या करा जाता है, दो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि उसको बुखार के लिए काढ़ा पिलाओ, नीम का काढ़ा या कोई जड़ी बूटी का काढ़ा। अब काढ़ा बहुत कड़वा होता है, बच्चे से नहीं पिया जाता। लेकिन दूसरा एक और ऑप्शन भी तो है, किसी बच्चे को बुखार हो गया तो उसको होम्योपैथिक मेडिसिन चुसाई जाती है। अब होम्योपैथिक मेडिसिन जब चूसते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें तो बच्चे को वो टॉफी गोली की तरह लगती है, उसको बहुत अच्छा लगता है, जब उसको चूसता है तो उसको उसमें एक रस भी आता है। तो उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं जब वो साधन भजन कर रहे हैं, उनको साधन भजन की अवस्था में ही उनको क्या मिल रहा है, उनको एक आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है, जो कि ब्रह्म उपासक है, जो ज्योति के उपासक है, मायावादी लोग हैं, उनको साधन में ही कष्ट होता है, उनका भगवान से तो संबंध हुआ ही नहीं है अभी, और इनको बाद में भी दुख होता है। तो वहां पे बताया कि अगर वो भक्ति का आश्रय ले, तो अगर जो भगवान के रूप को नहीं मानता, अगर वो भगवान की भक्ति का भी आश्रय लेता है, तो उसने भक्ति को गौण माना है, उसने मुख्य किसको माना है, ज्ञान को। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहता है कि मैं भगवान की उस ज्योति स्वरूप पर जाके मिल जाऊं। भगवान का रूप थोड़ी ना है, मुझे उनकी सेवा थोड़ी ना करनी है, जब वो है ही नहीं तो सेवा क्या करनी, मैं भी तो भगवान हूँ, सब भगवान है, अहम ब्रह्म अस्मि, हम सब ब्रह्म है, हम सब ज्योति के पार्ट है, हम सब ज्योति के ही एक अंश है। इस प्रकार की जो फिलोसफर्स होते हैं इनकी गति हमेशा दुखमय होती है। और अगर ये लोग भक्ति भी करते हैं तो भक्ति देवी क्या करती है, भक्ति देवी देखती है कि ये तो भगवान की सेवा ही नहीं करना चाहता, और भक्ति स्वयं कौन है, प्रभु की सेवा करती है। जब इसको मेरा प्रभु से कोई संबंध ही नहीं है, इसको जब कृष्ण की सेवा ही नहीं करनी, तो इसको मैं क्यों कृष्ण के पास लेके जाऊं, इसको जो चाहिए इसको वही देके मैं निकल जाती हूँ। तो भक्ति देवी क्या करती है, उनको भगवान की जो अंग कांति है वहां तक छोड़ के फिर भक्ति देवी वहां से लुप्त हो जाती है। इसलिए बताया कि इन लोगों की जो गति है वो दुख में ही होती है।
लेकिन अर्जुन जो मेरे भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो सारे कर्मों को मेरी प्राप्ति के लिए अर्पित करते हैं। उनके जितने भी कर्म हैं, जब वो खाते हैं, जो वो दान दक्षिणा देते हैं, वो उनकी जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी के लिए, सारी क्रियाएं किसके लिए होती है, भगवान के लिए अर्पित होती है। अपने बच्चों को भी क्या करते हैं, भगवान की सेवा में ही लगाते हैं। अपने घर को भी क्या करते हैं, ठाकुर जी का मंदिर बना के अपने घर को भी भगवान का मंदिर बना देते हैं। तो बताया कि इस प्रकार के जो भक्त होते हैं मेरे, जो अपने सारे कर्मों को मुझे ही अर्पित करते हैं, अपने घर को, जैसे हमारे गुरुदेव जब जाते थे साउथ अमेरिका में, एक भक्त थे, तो उनके घर में जब गुरुदेव जाते थे, उनके घर में बड़ा सुंदर एक उन्होंने ऑल्टर, बहुत अच्छे ठाकुर जी की सेवा करते थे। और उनके घर पे जब गुरुदेव रुकेंगे 4 दिन 5 दिन, वहीं पे भागवत कथा होगी, चैतन्य चरितामृतों का, बहुत सारे भक्त आएंगे। गुरुदेव उनके घर जब भी जाते थे, गुरुदेव बोलते थे कि मेरे को तो ऐसे लगता है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आया, मैं तो साक्षात कृष्ण के गोलोक धाम में आया हूँ। क्यों? क्योंकि शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक पाए, कि जिस दिन मैं घर में क्या देखता हूँ, भजन देखता हूँ, मुझे तो वो घर ही क्या नजर आता है, गोलोक नजर आता है। तो इस प्रकार के जो भक्त लोग हैं, जो कि क्या करते हैं, इस प्रकार के जो भक्त लोग हैं, जो अपना सब कुछ ही भगवान के लिए अर्पित कर देते हैं, उनके लिए फिर भगवान क्या कह रहे हैं, जो इस प्रकार के भक्त लोग अपनी भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं, मेरा भजन करते हैं, वो लोग शीघ्र ही इस मृत्यु संसार सागर को पार कर देते हैं। तो जो इस प्रकार से भगवान के भक्त हैं, वो बहुत अनायास और शीघ्र ही इस मृत्यु संसार को पार कर जाते हैं। पार कर जाते हैं नहीं, भगवान कह रहे हैं मैं उनको पार कर देता हूँ, मैं ही उन लोगों को पार कर देता हूँ। किस प्रकार से बताया कि अभी मैंने साधन भजन करना शुरू किया है, लेकिन भगवान आप कह रहे हो कि जिनका मन आप में चित लग चुका है, जो अपने सारे कर्मों को आप अर्पित करते हैं, आप उनको क्या करते हो, इस संसार से पार करा देते हो। भगवान बोलते हैं कि हाँ, ये एक ऐसा स्कूल है कि स्कूल में जिसने भी एडमिशन ले लिया, बाकी प्रिंसिपल है गुरु और कृष्ण, वो किसी भी बच्चे को फेल नहीं करेंगे, सबको वो पास कर देंगे, सबको वो पास करेंगे ही करेंगे। कंडीशन, अपराध नहीं करना, अपराध ना करे अगर कोई, तो कोई जितनी भी भक्ति करे, जिस भी लेवल पे क्यों ना हो, उसको फेल नहीं होने देंगे, उसको धीरे धीरे, उसको इस पार वो कराएंगे ही कराएंगे। पार कराने का दायित्व किसका है, उनका है। इसलिए नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, नित्यानंद अष्टकम में आता है कि इदम बाहु स्फुटति रटयन या प्रतिगृहम, जिसमें नित्यानंद प्रभु घर घर में जाके क्या रटते हैं, बोलते हैं कि इदम बाहु, हाथों को ऊपर करते हुए बोलते हैं, संसारम संसारम तरेण मई लगे, कि तुम्हें इस भव सागर से पार लेके जाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने कंधे पे लेता हूँ, मैं तुम्हें अपने कंधे पे बिठा के भव सागर पार करा के लेके जाऊंगा। तुम्हें क्या करना है, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल भगवान का नाम करना है। तो जो मेरी भक्ति का आश्रय ले लेता है अर्जुन, उसको इस संसार, मृत्यु संसार सागर से मैं खुद पार लेके जाता हूँ। इससे क्लियर पता चलता है, तेन भगवतो भक्तेश वेव वात्सल्यम्। इससे क्लियर पता चलता है कि भगवान का जो वात्सल्य है वो अपने भक्त के प्रति है। ना तु ज्ञानी विशिष्टि ध्वनि, ज्ञानी और कर्मियों के प्रति भगवान का वात्सल्य नहीं है, उनका वात्सल्य किसके प्रति है, अपने भक्तों के प्रति है। और अगर भगवान को प्रसन्न करना हो तो क्या करना पड़ेगा, भगवान की कमजोरी है वो क्या है, वो उनके भक्त। अगर कोई उनकी उनकी डायरेक्ट सेवा ना करके उनके भक्तों की सेवा करें, तो उससे भगवान की डायरेक्ट कमजोरी को पकड़ ले, कि उनका वात्सल्य कहाँ पे निकलेगा, अपने भक्तों के प्रति निकलेगा, निकलेगा। भक्ति किसी बात को वो टाल ही नहीं सकते हैं, जो भक्त बोलेंगे वो उनको करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें हमारे गुरुवर्गों ने हमें थोड़ा थोड़ा सा चतुर बनाया है, इसलिए बताया जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करते हैं वो बहुत चतुर होते हैं, वो कितने चतुर होते हैं, वो कृष्ण से भी ज्यादा चतुर होते हैं, तभी तो कृष्ण को वश में कर पाते हैं, नहीं तो कृष्ण को वश में कैसे करेंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, जो भगवान के जो भक्त हैं, उन भक्तों का आश्रय ले लेते हैं, उन भक्तों की सेवा कर लेते हैं। हमारे शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के चरण आश्रित, जन्माष्टमी का दिन था, रजनीगंधे की बहुत मोटी मोटी उन्होंने माला बनवाई ठाकुर जी के लिए, शाम को जब जन्माष्टमी उत्सव होगा, संध्या आरती के समय ठाकुर जी को पहनाई जाएगी। अब उतने में ही क्या हुआ, दोपहर के समय उनसे भी कुछ गुरु भ्राता मिलने के लिए आ गए।
जब गुरु भ्राता मिलने के लिए एकदम आए तो देखा कि वैष्णव आए तो उनका तो फूलों से केवल वो रजनीगंधा की कुछ मालाएं थी जो ठाकुर जी के लिए शाम को बनाई गई थी। तो उन्होंने अपने सेवक को बोला कि ये जो माला ठाकुर जी के लिए बनाई है अभी के अभी इसको हमारे जो गुरु भ्राता आए हैं उनके स्वागत के लिए माला लेके उनको पहनाएंगे। अरे महाराज जी ये तो हमने सुबह से बना रहे हैं, रात को ठाकुर जी के लिए जन्माष्टमी है। बोले नहीं, वैष्णव वैष्णवों की सेवा कृष्ण की सेवा से बढ़कर है, वैष्णव की सेवा करने से कृष्ण सेवा हो ही जाएगी, और अभी हम कृष्ण सेवा करें हो या ना हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वैष्णव हमारे सामने प्रकट है और हमें उनके सेवा का अवसर मिला है, उस सेवा को छोड़ेंगे क्या? तो बताया कि जो भक्तों की सेवा है वो कृष्ण की सेवा से भी बढ़कर होती है। क्यों? क्योंकि भगवान भक्तों से अपने से भी ज्यादा अधिक प्रेम करते हैं। तो भक्त क्या होता है, बहुत चतुर होता है, वो ऐसे भक्तों का चरणों का आश्रय ले लेता है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे, आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे। जिसने भगवान के ऐसे भक्तों का आश्रय लिया हुआ है उसको कृष्ण कभी त्याग ही नहीं सकते। अगर उसमें बहुत अनर्थ हो तो बोले तब भी नहीं त्याग सकते। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के भक्तों का आश्रय लिया है। और उसके बाद भगवान इसमें आगे टीका में कहते हैं कि देखो जो मेरे इस प्रकार के भक्त हैं, जो अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, अपने चित्त को मुझे अर्पित करते हैं, वो मेरी प्राप्ति के विषय में विलंब नहीं सहन कर पाते, उनसे विलंब नहीं होता। उनको होता है कि नहीं, हमें जल्दी भगवान की दर्शन करने हैं, जल्दी हमें अपने प्रभु की सेवा करनी है। तो जब मैं उनके अंदर इस प्रकार की आतुरता देखता हूँ कि वो बिल्कुल भी विलंब ही नहीं सहन कर पाते, तो मैं गरुड़ की पीठ पे आरोहण होकर शीघ्र जाता हूँ और उनको उठा के अपने साथ गरुड़ की पीठ पे बिठा के अपने धाम में लेके आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो भी विलंब नहीं सहन कर सकते, तो मैं कैसे विलंब सहन करूं। तो इसलिए, और जब हमारे हृदय के अंदर ये विरह भाव जागेगा गुरु के प्रति, वैष्णव में हमारे हृदय में ये विरह जाता रहेगा, उतने ही परिमाण में क्या होता है, भगवान भी हमारे प्रति विरह होता है और फिर भगवान नहीं रह पाते और उस भक्त को अपनी सेवा में ले लेते। एक बड़ी ही सुंदर कथा सुनी थी ब्रज के किसी संत से कि एक बारी एक भक्त जो है वो कृष्ण के लिए बहुत क्रंदन कर रहा था, और वो क्रंदन कर रहा था और राधा जी बोलती है कि वो भक्त आपके लिए इतना क्रंदन करता है, आप उसको अपने यहाँ पे निकुंज में क्यों नहीं लेके आते, दिन रात को हार आधे हाँ कृष्ण के क्रंदन करता रहता है। तो कृष्ण बोले कि मैं भी उसके लिए क्रंदन करता हूँ, और जो भी वो क्रंदन करता है वो उसका एक एक क्रंदन फूलों के रूप में मैं अपने गले में उसकी माला बना रहा हूँ, और माला में दो तीन और फूल बाकी है, जैसी पूरी माला बन जाएगी उसको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। तो जो भक्ति राज्य में एक बहुत बड़ी वस्तु है वो है भगवान से विरह होना, भगवान के लिए क्रंदन करना, भगवान को स्मरण करना। इसलिए हमारे गौड़िया राज्य की जो संपत्ति है, हमारे गौड़िया राज्य की संपत्ति क्या है, विरह। जितने उच्च कोटि के भक्त होंगे उनके अंदर उतना ही उच्च कोटि का विरह होगा। सबसे ज्यादा विरह किसमें होगा, सबसे ज्यादा विरह होगा श्रीमती राधा रानी में, उसके बाद गोपियों में। ये जो विरह है ये ही हमारी एकमात्र संपत्ति है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि अर्जुन अब मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर किसी को मेरे धाम में आना है, किसी को मेरा भक्त बनना है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मय एव मना आधस्तव मई बुद्धिम निवेशया, कि अर्जुन क्या करना चाहिए, मय एव यानी कि मय एव जो दिख रहा है प्रेजेंटली, यानी कि फिजिकल जो मेरा स्वरूप है श्याम सुंदर, मेरे इस स्वरूप में किसी को अपने मन को स्थिर कर देना चाहिए, अपनी बुद्धि भी मुझे अर्पित कर देना चाहिए, मन और बुद्धि दोनों मुझे अर्पित कर देने चाहिए। और इस प्रकार से जब उसका देह का अंत होगा तो वो मेरे समीप ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो अपने मन को अपनी बुद्धि को भगवान में पूर्णता अर्पित कर देता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। तो अर्जुन मानो वहां पे एक प्रश्न पूछते हैं कि दो प्रश्न पूछते हैं, पहला कि प्रभु आप कह रहे हो कि अपने मन और बुद्धि को मुझे पूर्णता अर्पित कर दो, लेकिन और साथ में आप मुझे कह रहे हो कि मुझे भी युद्ध भी करना है, तो अब आप बताओ मैं युद्ध करूं या अपने मन और बुद्धि को आपको अर्पित कर दूं, क्योंकि अभी तो मुझे युद्ध करना है। अब कोई भी काम बिना मन के तो नहीं कर सकते ना, युद्ध करूंगा तो उसमें भी तो मन जाएगा ना, सेना को देखना पड़ेगा, सैनिकों को देखना पड़ेगा, आगे पीछे चारों तरफ कहां से बाण आ रहे हैं, कहां दुश्मन है, सब तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने फिर क्या बोला था, पहले वाली बात ही मान लो रिकॉल हो रही है कि माया अवेश्य मनो, कि तुम युद्ध तो करो, माया अर्पित मनोबुद्धि, कि तुम युद्ध तो करो लेकिन अपना मन और बुद्धि मुझे देके अर्पित करो, अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो फिर युद्ध करो। तो ये संभव कैसे है, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन,
जो युद्ध करना है वो तुम्हारा स्वभाव है, तुमने पूरा जीवन युद्ध किया है, पूरा जीवन तुमने कितने बड़े बड़े युद्ध किए हैं, ये तो तुम्हारा स्वभाव है। और ये युद्ध करना ये तुम्हारा देहगत क्रिया है, देह की क्रिया है युद्ध करना, लेकिन साथ में मन क्या करो, मुझे अर्पित कर दो। इसमें हमारे हमारे जीव को स्वामी जी को उदाहरण देते हैं कैसे, ये बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है। आप कभी किसी गांव के साइड में जाओगे तो क्या देखोगे कि वहां पे कुछ माताएं होती हैं, सर के ऊपर 2 3 4 5 मटके पानी के भर के चल रही होती हैं, और चलते चलते क्या कर रही होती है, साथ में 2 3 और उनकी सहेलियां होती है, उनसे बात कर रही होती है। अरे तेरी सास ने कल तेरे को डांटा था क्या, अरे तेरे घर पे कल क्या खाना बना था, अरे तेरे को पता है पड़ोस में क्या हुआ, दुनिया भर की बातें करते हुए 3 3 2 2 2.5 2 किलोमीटर चल लेती है, यहाँ ब्रज में भी देखने को मिलता है। और 3 3 4 4 मटकियां है, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, वो जो एक्टिविटी कर रही है, क्या उसको सोचना पड़ता है कि अरे पानी, मैं लेफ्ट घूम रही हूँ, मैं राइट घूम रही हूँ, कभी चलने में भी सीधा तो चलते नहीं है, थोड़ा कई कई बारी क्या होता है, जमीन ऊपर नीचे आ जाती है, खाबड़ खुबड़ हो जाती है जमीन, लेकिन वहां पे उसका जो मन है वो अपनी सहेली से बात करने में लगा हुआ है। और क्रिया कौन सी कर रही है, वो क्रिया कर रही है जिसका उसको अभ्यास हो चुका है, उसको उसके लिए कोई स्पेशल एंडेवर नहीं करना पड़ रहा। तो यहाँ पे जो अर्जुन को युद्ध करना है वो तो उसका स्वभाव है, देह का स्वभाव है, और वो काफी समय उसने पूरा जीवन युद्ध किया है, लेकिन मन का स्वभाव क्या है, मन का स्वभाव है विषय की ओर भागना, मन हमेशा विषय की तरफ भागता है। लेकिन वही भगवान कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने मन का स्वभाव जो तुम्हारा है वो भी विकृत हो चुका है, मन का जो ओरिजिनल स्वभाव है वो है भगवान कृष्ण की ओर धावित होना। किस प्रकार से, जिस प्रकार से जितनी भी नदियां हैं वो सारी कहाँ पे निकलती है, गंगा बताओ तुम बताओ, सारी जो गंगा आदि जितनी भी नदियां हैं वो सब सागर की ओर जाती है, उसी प्रकार से मन का जो शुद्ध स्वभाव है वो है कृष्ण की ओर जाना। तो तुम क्या करो, अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो, मन और बुद्धि पूर्णता मुझे दे दो, और जो तुम्हारा देहगत स्वभाव है युद्ध करना वो तुम करते रहो, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो, माम अनुस्मर युद्ध, अच्छा मुझे स्मरण करते हुए ही युद्ध करना है तुम्हें। अब यहाँ पे ये तो हो गया, चलो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ठीक है प्रभु मन बुद्धि आपको दे दूं, और जो मेरी देहगत क्रिया है वो मैं साथ में करते रहूं, क्यों, क्योंकि वो तो मैं काफी समय से करते आ रहा हूं, लेकिन मन आपको दूंगा बुद्धि भी आपको दूंगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि मन से अगर कृष्ण आपका स्मरण कर रहा हूं, बीच बीच में तो मन विचलित हो ही जाएगा ना, बीच बीच में तो मन संसार की तरफ चले ही जाएगा। जैसे मान लीजिए पानी को रोकने के लिए आपने बांध बनाया, जब पानी को रोकने के लिए बांध बनाया, बहुत लंबा बांध है, अगर कहीं से भी बांध हल्का सा लीक हो गया तो पानी तो निकल जाएगा। यद्यपि बांध आपने चारों तरफ से बांधा है, केवल एक जगह से थोड़ा सा भी खुल गया तो पानी तो बह जाएगा। उसी प्रकार से भगवान आपने बोला मन आपको दे दो, मन का देने का मतलब है सारी इंद्रियां आपको देनी पड़ेगी, अगर किसी भी इंद्रिय ने थोड़ी सी भी गलती कर दी, आंख रूप के पीछे भाग गई, कर्ण भाग गए, कोई भी इंद्रिया जो है अपने मन को स्थिर करने के लिए सारी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगानी पड़ती है। कोई भी इंद्रिया क्या हो सकती है, कभी भी शिथिल हो सकती है, जैसे अजामिल एक अच्छा सा रूप देख लिया, एक वेश्या का संग करते हुए देख लिया, एक वेश्या को पर पुरुष का, उसी समय उनका क्या हुआ, मन चंचल हो गया। तो प्रभु मन देना इतना आसान थोड़ी ना है, आपने तो बोल दिया मन दे दो, मन देना कोई आसान कर रहे हैं क्या। तो भगवान थोड़ा और एक स्टेप नीचे आते हैं, भगवान देखो कृष्ण कितने करुणामय है, अपनी करुणा का परिचय दे रहे हैं कि मैं कितना करुणामय हूँ। भगवान कहते हैं कि चलो अर्जुन, अगर तुम मन नहीं दे सकते, अथा चित्तम समाधा तुम नाशक नोशी मई स्थिरम, कि चलो अगर तुम अपने चित्त को मेरे में नहीं स्थिर कर सकते, नहीं स्थापित कर सकते, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप तुम धनंजय, हे धनंजय चलो ठीक है, तुम अपने मन को भी मेरे इसमें, चित्त को मेरे इसमें स्थापित नहीं कर सकते, अभ्यास तो कर सकते हो, अभ्यास करने के लिए तो मना नहीं है, उसका अभ्यास ही कर लो। तो यहाँ पे भगवान उनको धनंजय क्यों कह रहे हैं, कि तुम्हारा नाम धनंजय है क्यों, तुमने बहुत सारे शत्रुओं को जीत के बहुत सारा धन का हासिल किया है, बहुत सारे शत्रुओं पे तुमने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करी है और धन को आरोहण किया है, इसलिए तुम्हारा नाम है धनंजय। और अब तुम एक अभ्यास करो, क्या अभ्यास करो, अपने मन को जीत कर ध्यान रूपी धन को हासिल करने की चेष्टा करो, अपने मन को जीतो और मेरा ध्यान जो है वही सबसे बड़ा धन है, अब उसको हासिल करने की चेष्टा करो, तुम अभ्यास अभ्यास करो। तो प्रश्न है कि अभ्यास किस चीज का होता है, क्या कोई बोलता है कि मेरे को ना नींद नहीं आ रही तो मैं थोड़ा नींद करने का रिहर्सल करता हूँ, नींद करने की शिक्षा लेके आता हूँ, नहीं, वो तुम्हारा स्वभाव है। तो जिस चीज जो चीज को हम बहुत चिर काल तक भूल चुके हैं,
हम इस जगत में आहार निद्रा भय मैथुन कितने जन्मों से करते हुए आ रहे हैं उसकी कोई गिनती नहीं, लेकिन भगवान का स्मरण हम भूल चुके हैं। तो एक ऐसी वस्तु उसका अभ्यास किया जाता है जिसका हमें कुछ भी नहीं पता, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। कोई खाना खाने का अभ्यास तो नहीं करता, बच्चा भी कितने जन्मों से खाना खाता आ ही रहा है। गाय का बछड़ा जैसे ही जन्म लेता है क्या करता है, माँ के स्तन का, गाय के स्तन का दूध पीता है। बच्चा भी माँ के स्तन से जाके दूध पीता है, उसको किसने बताया भाई यहाँ पे दूध है, उसको पता है कई जन्मों से करता हुआ आ रहा है, लेकिन अभ्यास उस चीज का किया जाता है जिसको हम भूल चुके हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, तुम अपने चित्त को अगर सम धातुम ना शक्नोति मैं स्थिर, मान लिया कि तुम्हारा मन अभी स्थिर नहीं है, तुम अपने स्थिर, जब तक स्थिर नहीं होगा मेरे में तुम अपने चित्त को नहीं लगा सकते, तुम अभ्यास कर लो। अभ्यास का अर्थ क्या है कि प्रभु जब मैं अभ्यास करूंगा तो किसी भी चीज का, जब बच्चा चलने का अभ्यास करता है तो वो गिरेगा या नहीं गिरेगा, स्वाभाविक है, अभ्यास कर रहे हैं तो गिरेगा गिरेगा। गाड़ी चलाना सीखी, अभी परफेक्ट ड्राइवर नहीं है, अभ्यास कर रहा है, ठुकेगी नहीं ठुकेगी, वो तो ठुकेगी ही, तो उसके लिए क्या कोई कुछ बोलता है, नहीं बोलता। इसलिए भगवान बहुत करुणामय, जो लोग इस लाइन में केवल स्टूडेंट बन चुके हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि हम अपने मन कृष्ण को देना चाहते हैं, अभ्यास करते हुए बार बार अगर वो गिर भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार गिरोगे उतनी बार ही खड़े होते रहो, गिरते रहो खड़े होते रहो, गिरते रहो खड़े होते रहो, बार बार संसार की वासना गिरा देगी ना, कुछ नहीं होता, वो जितनी बारी गिराएगी उतनी बारी हम और खड़े होते रहेंगे। इसको बोलते हैं अभ्यास करना, कि मैंने अपने अभ्यास को नहीं छोड़ना, इस जन्म में नहीं किसी ना किसी जन्म में मेरे को ये पक्का पता है कि मैं निश्चित अपनी वस्तु को प्राप्त कर जाऊंगा, लेकिन अभ्यास नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पे देखो, अब भगवान कितने करुणामय है। कृष्ण आगे कहते हैं, मानो अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं तो अभ्यास भी नहीं कर सकता, कुछ और भी रास्ता है तो बताओ। तो भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है अर्जुन, अभ्यास अपि असमर्थो असि, कि अगर तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते, तुम अभ्यास के लिए भी असमर्थ हो, मत करम परमो भवा, कि चलो ठीक है भाई, अगर तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते अपने चित्त को मुझे देने के लिए, कि मेरा चित्त तो इतना दूषित है कि वो बिल्कुल भी उस तरफ जाएगा ही नहीं, मतलब अभ्यास का प्रयास भी नहीं करेगा, प्रयास भी करने को तैयार नहीं, मेरा चित्त तो पूरा मलिन हो चुका है, पूरा दूषित हो चुका है। ये अभ्यास तो तब किया जाए ना कि जब किसी चीज के प्रति या तो रुचि हो या फिर पता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। जैसे किसी को बोले चलो गाड़ी चलाने का अभ्यास तो करो, अरे उसको अभ्यास क्या करूं, मुझे पता ही नहीं कि कहाँ पे क्लच है कहाँ पे वो है, कुछ अभ्यास के लिए कुछ तो चाहिए बेसिक्स। तो भगवान कह रहे हैं कि चलो अगर तुम अभ्यास असमर्थ हो असी, तुम अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते, मात्र सारे कर्मों को कैसे करो, मेरे कर्म परायण बन जाओ। किस प्रकार से, मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन, अपने सारे कर्मों को तुम क्या करो, सिद्धिम वाप्यसि, अपने सारे कर्मों को तुम मेरे लिए करो, उससे भी क्या होगा, उससे भी तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। प्रभु कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, क्या मुझे अब अभ्यास, सबसे पहले आपने बोला कि अपना चित्त मुझे दे दो, सो मैंने मना कर दिया, फिर आपने बोला कि अभ्यास करो, वो भी मैंने मना कर दिया, अब आप कह रहे हो कि मेरे लिए सारे अपने कर्मों को करो तो उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो क्या मुझे वही सिद्धि प्राप्त होगी जो उनको प्राप्त होती है जिन्होंने अपना चित्त आपको दे दिया है। तो इसके लिए कह रहे हैं शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी टीका में कहते हैं, कर्माणि मध्या श्रवण कीर्तन वंदन अर्चना। अब इसमें एक एक स्टेप बता रहे हैं कि मेरे लिए कैसे कैसे कर्म करने हैं। कर्माणि मध्या, कृष्ण के लिए क्या कर्पण क्या करना है, श्रवण कीर्तन, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए श्रवण कर लो कथा का, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीर्तन कर लो, प्रभु श्रवण कीर्तन भी नहीं हो सकता तो क्या करें, वंदन अर्चना, चलो वंदन कर लो, वंदना कर लो। कभी मंदिर में जाते हैं वहां पे कुछ, कई लोग देखा होगा कोई मंदिर में जाते हैं तो कोई गोपाल सहस्रनाम पढ़ लेता है, कोई वहां पे कृष्ण का प्रणाम मंत्र पढ़ लेता है, मेरी वंदना ही कर लो, अर्चन नहीं तो मेरे अर्चन कर लो। घर में कई लोग ठाकुर जी के विग्रह रखते हैं और भगवान का अर्चन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, उनको वस्त्र आदि पहनाते हैं, अर्चन कर लो। मन मंदिर मार्जन, प्रभु आपके श्री विग्रह के पास जाने से भी बहुत भय लगता है, अभी उनसे संबंध हुआ नहीं है, अरे चलो भाई मेरे मंदिर में आके मेरा मंदिर ही साफ कर लो, मंदिर तो साफ कर सकते हो, हाँ मंदिर साफ कर सकते हैं, अच्छा मंदिर में आके परिक्रमा तो कर सकते हो, मंदिर में आके परिक्रमा ही कर लो, पुष्प चयन तो कर सकते हो, अगर मंदिर में भी नहीं आ सकते बाहर जाके थोड़े पुष्प चयन करके मेरे को पुजारी को पुष्प ही दे देना, पुजारी मेरे चरणों में पुष्प चढ़ा देगा, पुष्प चयन कर लो। परिचर्या आदि कुर्वन विनापि मत्स्मरणम सिद्धिम प्रेम वत पार्षद तव लक्षणाम प्राप्यसि इति, और अगर तुम इस प्रकार से करोगे, मेरे लिए अपने कर्मों को करोगे, तो मेरे स्मरण करे बिना भी तुम्हें मेरा पार्षद
प्राप्त होगा, तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। प्रेमवत, जैसे मैं अपनी प्रेम से अपने पार्षदों को अपने पास रखता हूँ, अगर तुम इस प्रकार की क्रियाएं करोगे तो उससे भी क्या होगा, मेरे उद्देश्य से पुष्प दान करोगे, मेरे उद्देश्य से फल का दान करोगे, ठाकुर जी को फल भोग दे दोगे, ठाकुर जी के लिए पुष्प दे देंगे, मेरे उद्देश्य से ही मंदिर का मार्जन करोगे, मेरे उद्देश्य से कहीं पे तुम कोई भगवान का मंदिर बनवा दोगे, मेरा जहाँ पे उद्योग वो है बगीचा है वहां पे फूलों का सिंचन आदि कार्य कर लोगे। किसी प्रकार से अगर तुम मेरी मेरा कोई भी कर्म करते हो, मेरी सेवा में नियुक्त होते हो, पार्षद रूप की गति तुम्हें प्राप्त होगी, तब भी तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। क्यों? ऐसी सेवा करने करने से हमारा जो चित्त है अनायास ही, पता भी नहीं चलता, अनायास ही चित्त जो है कृष्ण की सेवा में लग जाता है, कृष्ण में अभिष्ट हो जाता है, तब भी तुम मेरे उसको प्राप्त कर सकते हो। फिर आगे मानो अब भगवान ने ये वाला ऑप्शन भी दे दिया। अब तीसरा, अब भगवान की करुणा का कोई अंत नहीं है, उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। अब आगे भगवान कहते हैं कि अगर तुम इस अभ्यास योग करने में भी अक्षम हो, अभ्यास योग भी नहीं कर सकते, मुझे समस्त कर्मों को अर्पण रूप योग का आश्रय कर संयम चित्त से समस्त कर्मों का फल त्याग करो। कि अगर तुम क्या करते हो, सोचा कि प्रभु मैं तो आपके लिए कर्म भी नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मेरा बहुत कुछ कुलीन में जन्म हुआ है, मेरा जिस कुल में जन्म हुआ है वहां पे कोई भी भक्त नहीं है, वो सब लोग अभक्त है। अगर वो मुझे देखेंगे कि मैं मंदिर में जाके झाड़ू मारता हूँ, मैं मंदिर में जाके पुष्प चयन करता हूँ, तो वो लोग तो मेरा उपहास उड़ाएंगे, और मेरे को रहना भी अभी उसी समाज में है, तो प्रभु मेरे लिए तो ये भी बहुत मुश्किल लग रहा है, अब मैं क्या करूं। यद्यपि ये कार्य तो बहुत उच्च कार्य है, जिसको ब्रह्मा शिव जी वो सब स्वयं भी करते हैं, यहाँ तक कि जो जगन्नाथपुरी के राजा है वो भी भगवान के आगे झाड़ू मारते हैं, लेकिन मेरा जिस कुल में जन्म हुआ है वहां पे वो सोचेंगे कि ये तो सब तुच्छ कार्य कर रहा है, बहुत उच्च कुल का हूँ, अब मैं क्या करूं प्रभु, ये भी मेरे से नहीं हो सकता, कोई और मेरे लिए भी क्या उपाय है क्या। तो वहां पे भगवान कहते हैं, भगवान बहुत करुणामय है, भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम तुम जिस वर्ण आश्रम में हो, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, तुम जिस भी वर्ण आश्रम में हो, तुम क्षत्रिय हो तो तुम क्षत्रिय सही, जिस भी तुम वर्ण और आश्रम में हो, तुम उस वर्ण और आश्रम में जो भी तुम उस वर्ण, हर वर्ण आश्रम के कुछ ना कुछ कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, तुम जो अपने वर्ण आश्रम में अपने कर्मों को पालन करते हो उस कर्मों के फल को त्याग दो, उस कर्म फल को त्याग दो, उस कर्म को तो करते रहो लेकिन उस कर्म फल को त्याग के मुझे अर्पित कर दो, निष्काम कर्म कर लो, उससे भी क्या होगा, मैं तुम्हें धीरे धीरे वहां से उठा के मैं तुम्हें अपना पार्षद प्राप्त करवा दूंगा और तुम्हें मैं अपना भक्त की गिनती में ले लूंगा, किसी भी प्रकार से मेरे से कनेक्ट तो हो जाओ, किसी भी प्रकार से चाहे जीरो लेवल से ही सही, लेकिन कृष्ण के साथ संबंध जोड़ दो। तो यहाँ पे श्रीमद भागवत में भी आता है, अति अतः पुंबिर द्विजा श्रेष्ठा हरि भक्ति परायणा स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धि हरि तोषण। कि जो जिस भी वर्ण और आश्रम में क्यों ना हो, वो अपने वर्ण और आश्रम को अगर फॉलो करते हुए अपने कर्मों के फल को त्याग देता है, कृष्ण के प्रति अर्पित कर देता है, और यही सोचता है कि हाँ मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, यद्यपि वो डायरेक्ट कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा, लेकिन जिस वर्णाश्रम में वो है अपने ही कर्मों को अगर वो कृष्ण को स्मरण करते हुए थोड़ा थोड़ा त्यागना शुरू करता है, अपने फलों को त्यागना शुरू करते हैं कृष्ण के प्रति, तब भी कृष्ण क्या करते हैं उसके ऊपर कृपा करते हैं और उसके मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, भगवान ने बहुत सारी कैटेगरीज बता दी, सबसे पहले बता दिया कि अपने मन को मुझ में आविष्ट कर दो, अगर अपने मन को मुझ में आविष्ट नहीं कर सकते हो तो उसका अभ्यास कर लो, अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्मों को करना शुरू कर दो, जो भी मेरे लिए मेरे मंदिर में आके झाड़ू मारना आदि जो क्रियाएं हैं वो भी नहीं कर सकते, तो जिस भी तुम कर्मों कर रहे हो उन कर्मों के फल को त्याग के निष्काम कर्म करने का प्रयास करो और किसी भी प्रकार से तुम मेरे से जुड़ जाओ, मेरे से कनेक्ट हो जाओ। फिर उसके बाद भगवान 8 श्लोकों में आगे बताते हैं अर्जुन को कि जो मेरे भक्त होते हैं उन भक्तों का किस प्रकार से गुण होता है, मेरे भक्तों की क्रियाएं किस प्रकार से होती है। श्रीमद् भागवत में आता है, वसुदेव परा वेदा वसुदेव परा मखा, वसुदेव परम धर्मम वसुदेव परम योगो वसुदेव परा क्रिया वसुदेव परा तपा। कि वसुदेव परम वेदा, जितने भी वेद हैं सारे वेदों का सार क्या है, वासुदेव को जानना। वसुदेव परा मखा, जितने भी यज्ञ आदि करे जाते हैं
उन सारे यज्ञ आदि का सार भी क्या है, कृष्ण को जानना। वसुदेव परा योगो, जितने भी योग हैं सारे योग का सार क्या है, वासुदेव कृष्ण को ही जानना। वासुदेव परा क्रिया, जितनी भी क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं का भी सार क्या है, कृष्ण को ही जानना। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, जितने भी तपस्या है सारी तपस्या का सार भी है कृष्ण को जानना। जितना भी ज्ञान है सारे ज्ञानों का सार है कृष्ण को जानना। ज्ञान का अंतिम सीमा, भजन की अंतिम सीमा, वेद की अंतिम सीमा, तप की अंतिम सीमा, धर्म की अंतिम सीमा, सबकी अंतिम सीमा क्या है, वासुदेव को जानना, कृष्ण से संबंध होना। अगर कृष्ण से किसी का संबंध नहीं हुआ, उसका यज्ञ, उसका दान, उसका तप, उसकी क्रिया, उसका ज्ञान, सब क्या है, उसका सब कुछ ही निष्फल है। तो इसलिए भगवान कृष्ण के साथ ही संबंध युक्त होना है। और इस प्रकार से जो मेरे भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, वो द्वेष रहित होते हैं, उनको द्वेष नहीं होता, मित्र भाव पर उतरे हैं, सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं, कृपालु होते हैं, सबके प्रति कृपा रखते हैं, जगत में के प्रति ममता शून्य होते हैं, अपने संसार में रहते हुए भी अपने पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति उनका ममता नहीं होता, संसार के प्रति ममता शून्य होते हैं, अपने देह 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 का भी उनको कोई भौतिक अहंकार नहीं होता, उसमें भी अहंकार शून्य होते हैं। सुख और दुख, जब अहंकार 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 ही नहीं है उनके अंदर, देह का ही अहंकार नहीं है, तो क्या सुख और दुख उनको सता सकता है। अर्जुन जो वे भक्त होते हैं उनको संसार के सुख और दुख में वो सम होते हैं, ना उनको दुख दुख से दुखी होते हैं, ना सुख से सुखी होते हैं, क्षमाशील होते हैं, सबके प्रति क्षमा का आचरण करते हैं और हमेशा मेरी भक्ति से युक्त रहते हैं, अपनी इंद्रियों पर हमेशा संयमित रहते हैं। इस प्रकार से जो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान अपने भक्तों के गुणों के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से मेरे भक्तों का गुण होता है, और मैं इन भक्तों के ऊपर रीत जाता हूँ, इनके आगे मैं परास्त हो जाता हूँ, इसलिए मैं अपने भक्त के आगे क्या हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्त की इच्छा के अनुसार ही चलता हूँ। मेरे भक्त किसी को उद्वेग नहीं देते, कोई भी उनसे उद्वेग प्राप्त नहीं करता, और अगर उनको उनको कोई उद्वेग दे तो वो खुद भी किसी के उद्वेग देने से उद्वेगित नहीं होते हैं, उद्वेग को प्राप्त नहीं होते हैं, संसार के भय आदि सबसे वो मुक्त होते हैं। तो फिर भगवान ने अपने भक्तों के बारे में बताया है कि किस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं वो उनके गुण होते हैं, और फिर इसी के साथ 12वां जो अध्याय है वो समाप्त होता है। यस्य अस्ति भक्तिर भगवती किंचना सर्वे गुणे सत्र समास होते सुरा, कि जिसके अंदर भगवान की भक्ति होती है उसके अंदर सारे गुण अपने आप ही आके समा जाते हैं, उसको किसी भी गुण के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, सारे गुण उसके अंदर अपने आप आके समा जाते हैं। तो भगवान की भक्ति होनी चाहिए, और यहाँ पे कृष्ण ने 12वें अध्याय में भक्ति योग का यही बता के बताया है कि किस प्रकार से अपने मन को और चित्त को कृष्ण में अर्पित करना है, वो ही हमारा एकमात्र प्रयोजन है। और जब भी हम लोग कृष्ण से बहिर्मुख हो जाते हैं तो अनेक अनेक प्रकार के दुख आते हैं। आज जो जितने भी जगत में दुख आ रहे हैं, ये तो जगत ही दुखालयम है, उन दुखों का मूल कारण क्या है, कृष्ण बहिर्मुख है या भोग वांछा करे, कृष्ण को भूल के भोग की वांछा करी है, उसी के लिए ही सारे दुख आते हैं। तो अब सारे दुखों का अंत क्या है, साधु संग करी कृष्ण भजे यदि तबे दुख अंत है शेष, ए घोर संसारे पड़िया मानव ना पाए दुखेर शेष। ए घोर संसारे, हम लोग सुनते थे ना ये घोर संसार है, संसार दावानल है, लेकिन लगता नहीं था, लेकिन अब तो सबको लग रहा है। ए घोर संसारे पड़िया मानव ना पाए दुखेर शेष, इस घोर संसार के अंदर पड़ा हुआ है मानव और उसके दुख का कोई शेष नहीं है, खत्म नहीं हो रहे हैं, कैसे खत्म होंगे, कोई तो उपाय होगा, एक उपाय है केवल, क्या, साधु संग करी हरि भजे यदि, अगर कोई साधु संग करता है और साधु संग में आके हरि का भजन करता है, तबे अंत है क्लेश, तब उसके सारे दुख हमेशा के लिए अंत हो जाते हैं। तो यहीं पे हम लोग भगवद गीता के इस अध्याय के साथ आज की क्लास को विश्राम देते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं पुनः पुनः कि हमारा जो मन है वो कृष्ण में अभिष्ट हो जाए। उसके लिए ही हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं, गायत्री करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, किसी प्रकार से हमारा जो दुष्ट मन है वो क्या हो जाए, ये दुष्ट मन कृष्ण की सेवा में लग जाए, यही हमारा एकमात्र प्रार्थना है। नीताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, मतलब आप अपने आप को अनम्यूट कर पाओगे, मैं वो कर देता हूँ।
ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कुछ नहीं, कृष्ण, सॉरी बोल सकते प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। हाँ, हाँ मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि भगवान बहुत करुणामय है जैसे आपने कहा, तो ये जीव जो है वो 84 लाख योनि भ्रमण करके यहाँ, 84 लाख योनि कहाँ, कौन सी योनि में भ्रमण किया है ये जीव, तो ये जीव भूल गया है, सब कुछ भूल गया है। तो प्रश्न यह है कि स्टिल व्हाई कृष्णा इज टेकिंग एन एग्जामिनेशन, ये इस मन को, मन इतना निष्ठुर है, तो व्हाई इट्स नॉट इतना इजी, क्यों नहीं कृष्णा कृष्णा सरलता से क्यों नहीं बना सकते, क्यों क्या नहीं बना सरल सकते? मतलब अगर एक भक्ति पथ में बढ़ रहा है कोई कोई भक्ति पथ में आगे, तो व्हाई व्हाई डिवोटीज गेट्स आल्सो फॉल डाउन, ये भी होता है। दूसरा कि सब कुछ हमारे पास प्रयोजन है, कि सोर्सेस है, साधु संघ है, ये है, लेकिन मन कंट्रोल्ड में क्यों नहीं होता है, सब कुछ होने के बाद भी ये मन इतना चंचल है कि क्षणिक टेम्पल में जाता है तो माया ठीक है, वो सब वो कृष्ण के बारे में, साधु संघ में होता है तो वो साधु संघ के बारे में सोचता है, टेम्पल के बारे में सोचता है, सब सब सेवाएं करता है, जैसे वहां से बाहर निकलता है अगेन दैट माया विल ट्रैप हिम एंड सो ये सॉरी प्रभु जी मैं ठीक ज्यादा है ठीक है। देखिए प्रभु जी, हमारे श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, वी कॉल आर सेल्फ डिवोटी। वो बोलते थे, महाराज जी बंगाल के रहने वाले थे, तो जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना डिवोटी, तो बहुत सारे हाँ डिवोटी आते थे, तो हम बोलते थे महाराज जी ये डिवोटी आए हैं, ये डिवोटी आए हैं, वो डिवोटी आए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के डिवोटी है, ब्राजील के डिवोटी है। तो महाराज जी बहुत हंसते थे और हंसते हुए बोलते थे, डिवोटी बट हैव यू डिवोटेड फॉर कृष्णा, हैव यू डिवोटेड योर फैमिली, हैव यू डिवोटेड योर वाइफ, हैव यू डिवोटेड योर बैंक बैलेंस, हैव यू डिवोटेड योर प्रॉपर्टी, योर सन्स, बट हैव यू डिवोटेड फॉर कृष्णा। तुमने कृष्ण के लिए क्या डिवोट किया है, कुछ तो बताओ कि तुमने कृष्ण के लिए ये एक वस्तु पूरी डिवोट कर दी हो। तो महाराज जी बोलते थे, हंसते हुए बोलते थे, वी आर नॉट डिवोटी बाबा, अभी हमने कृष्ण के लिए कुछ भी डिवोट नहीं किया है, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग अभी वास्तविक में ही स्टूडेंट हैं। लेकिन स्टूडेंट होने पर भी हम लोग अभी स्टूडेंट हैं, और अगर देखा जाए कि हम लोग भजन कर रहे हैं, और अगर हम उसको थोड़ा और विवेचना करके देखें, तो अभी हम भजन भी नहीं कर रहे, हम भजन का साधन भजन का भी आभास ही कर रहे हैं। वास्तविक जो साधन भजन की जो क्रिया होती है, जो श्री रूप गोस्वामी जी ने बताई है, उसका भी केवल आभास कर रहे हैं। लेकिन तब भी इतने कृष्ण करुणामय है, कृष्ण इतने करुणामय है, तब भी क्या करते हैं, अनन्या चिंतयंतो जना माम येन परिउपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहमि अहम्। भगवान ने बोले कि योग क्षेम वह मैं करता हूँ किसका, जो अनन्य चित्त होकर मेरा भजन करता है। तो अभी तो हम अनन्य चित्त नहीं हुए हैं, हम तो अभी चित्त हमारा कृष्ण के प्रति पूरा अनन्य भाव से लगा ही नहीं है। लेकिन तब भी कृष्ण क्या कर रहे हैं, तब भी इस कंडीशन में, तो तब भी हमें क्या किया है कृष्ण, तो तब भी हमारा योग क्षेम कर रहे हैं, नहीं कर रहे क्या, पूरा योग क्षेम कर रहे हैं, खुद देखता हूँ गुरुदेव के रूप में सब कुछ करते हैं, हमें गुरुवर मिल चुके हैं। तो इसलिए हम लोग जब सिंसियरली प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, अगर मान लीजिए गिर भी जाते हैं, तो उसके बाद एक साधक को दुख होता है, जो सिंसियर साधक होगा, ततो भजेत माम प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, जो श्मानश सतान कामन दुख उदर कामश गर्हयन। श्रीमद भागवत में बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि पूर्व स्वभाववशत या किसी प्रबल इंद्रियों के वेग वशत अगर वो संसार की किसी भौतिक क्रियाकलाप में आसक्त भी हो जाता है, लेकिन तब भी वो एक चीज नहीं छोड़ता, क्या, मेरा भजन नहीं छोड़ता, मेरा भजन करते रहता है। ततो भजेत माम श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, श्रद्धा से, दृढ़ से, प्रीति से मेरा भजन करते रहता है। और जिस कारण से पूर्व का उसका बहुत अभ्यास ऐसा है, गंदा अभ्यास होगा, पूर्व जन्मों के ऐसे कुसंस्कार वशत अगर वो संसार की किसी जो भक्ति प्रतिकूल की जो क्रियाएं हैं अगर उसमें लिप्त तो हो भी जाता है, लेकिन साथ ही साथ में उसके हृदय के अंदर एक प्रायश्चित भाव जागता है। वो जो प्रायश्चित भाव, प्रायश्चित का जो हृदय में भाव जागता है, वो प्रायश्चित भाव ही क्या करता है, उसके सारे अः
प्रायश्चित कर देता है, उसके सारे हृदय को, वो मलिनता को साफ कर देता है, और धीरे धीरे फिर साधक जो है और आगे बढ़ना शुरू होता है। तो इसलिए उसमें कोई इतना भय का विषय नहीं, हमें अपना साधन भजन नहीं छोड़ना। प्रभुपाद जी बोलते थे, हरि नाम करते हुए मन का तो स्वभाव है, कई जन्मों से वो गंदी चीजों को ही देखते हुए आ रहा है, गंदी चीजों को अनुशीलन किया है। अगर हरि नाम करते हुए मन में बुरे विचार भी आते हैं, आने दो, लेकिन हरि नाम नहीं छोड़ना, हरि नाम में करते रहो, हरि नाम नहीं छोड़ूंगा किसी भी अवस्था में। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, रियली हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। ज्योति जोशी बोल रही हूँ, मैंने वासी पहचान लिया था, हरे कृष्णा। अच्छा, तो प्रभु सवाल बार बार पूछती हूँ आपसे, फिर से पूछना चाहूंगी कि एक बात और बोलूंगा, एक बात और बोलूंगा। एक बारी मैं जगन्नाथ पुरी में था, तो हमारे साथ एक दिल्ली के गृहस्थ भक्त थे, भक्ति विज्ञान भारती, उसमें महाराज जी के कमरे में हम लोग बैठे थे शाम को। तो उन्होंने मेरे को बोला कि महाराज जी से प्रश्न पूछो कि काम और क्रोध बहुत परेशान करता है, क्या करना चाहिए, 15-20 साल हो गए हरि नाम करते हुए। तो मैंने महाराज जी से बोला, महाराज जी के कान में, महाराज जी क्योंकि वो थोड़ा महाराज जी ऊंचा, थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा, महाराज जी का विरुद्ध अवस्था था। महाराज जी को बोला कि ये बोल रहे हैं कि काम और क्रोध बहुत परेशान करता है, क्या करें, 15 साल हो गए भजन करते हुए। तो महाराज जी ने बहुत उत्साह पूर्वक और थोड़ा सा उत्साह में, और एक बहुत जैसे शेर गरजता है ना, उस प्रकार से महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बंगला का प्यार बोला था। क्या प्यार था वो, किबा करीते पारे काम क्रोध साधकेर यदि संग है वैष्णवार जन्ने, ऐसा करके बंगला में कुछ प्यार था, जिससे महाराज जी कह रहे थे किबा करीते पारे, अरे काम क्रोध तुम्हारा क्या कर सकता है, अगर तुम्हारा वैष्णव का संग हुआ है, अगर वैष्णव संग हुआ है तो काम क्रोध तो कुछ कर ही नहीं सकता। महाराज जी ने बहुत ऐसे बोला कि जिस प्रकार से महाराज जी से पूर्ण प्रतिष्ठित है, यद्यपि महाराज जी प्रतिष्ठित ही है, कि हाँ कि तुमने अभी तक ठीक ठाक से वैष्णव संग किया नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के परिकर यही बोलते हैं कि जिसने वैष्णव संग कर लिया, काम क्रोध उसका कर ही क्या सकता है, वो तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग जितने परिमाण में वैष्णवों की सेवा करेंगे, जितने परिमाण में उनसे संबंध युक्त होंगे, उतने परिमाण में हम लोग बहुत जल्दी कृष्ण भजन में आगे बढ़ेंगे, और जितने भी जो भजन में जो बाधाएं हैं वो बहुत जल्दी दूर होंगी। हाँ, प्रश्न पूछ रहे थे आप। जी जी हाँ प्रभु, प्रश्न ये था कि जब हम भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, साधना करते हैं तरह तरह से, जो भी शास्त्रों में वर्णित हैं, और जैसा आप वैष्णव बताते हैं, तो जैसे मैं खुद कर रही हूँ प्रैक्टिस, तो मुझे कई मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान से जुड़ी हूँ कि नहीं जुड़ी हूँ, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि मेरा मतलब मेरी जो साधना है उसका कोई ये जो एम है कि हमें भगवान से कुछ जानना है, उनको उनसे एक संबंध जो भी हमारा है उसको रिवाइव करना है, याद करना है क्या था वो, मैं जुड़ी कि नहीं जुड़ी मुझे पता कैसे चलेगा, या कुछ कैसे कोई 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 टेस्ट है क्या इसका, या कोई ऐसा कुछ आप बताएंगे। गुरुदेव, हमारे गुरुदेव बोलते थे, किसी ने गुरु जी से पूछा था मैं भक्ति में किस लेवल पे हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा। गुरुदेव हाँ। बोलते थे कि भक्ति की जो लेवल है ना, जो 8 लेवल है, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, हाँ। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, गुरुजी बोलते थे जो जिस लेवल पे होता है उसको पता होता है। गुरुजी यही बोलते थे कि जो जिस लेवल पे होता है उसको पता हाँ। होता है। क्यों, जैसे किसी ने खाना खा लिया, अब उसका कितना पेट भरा वो तो उसी को पता है ना, बाहर का तो कोई व्यक्ति बता नहीं सकता, उसको खुद ही पता है कि भाई मेरा कितना पेट भरा है। और उसके हाँ। बाद वास्तविक में क्या है कि सबसे पहले हमारा संबंध ना एक गुरु से होता है। जब तक हमारा गुरु से संबंध नहीं हुआ, तब तक अगर हम डायरेक्ट कृष्ण से संबंध बनाए, जैसे कई जगहों पे भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग वृंदावन में आते हैं और कृष्ण की भक्ति भी करते हैं, लेकिन वो किसी गुरु से कनेक्ट नहीं है, तो वहां पे जो उनका कृष्ण के साथ जो संबंध है वो वास्तविक संबंध नहीं है, वो एक संबंध का केवल आभास होता है। लेकिन जो शुद्ध संबंध है वो जब कृष्ण के साथ वो संबंध स्थापित हो ही नहीं सका, इसलिए गुरु को बोलते हैं संबंध प्रदाता। गुरु कौन है, कृष्ण संबंध प्रदाता, हमारा कृष्ण से जो संबंध है उसको प्रदान करने वाले गुरु ही है। तो पहले हमारा गुरु से कनेक्शन होता है और गुरुदेव उस संबंध को देते हैं दीक्षा मंत्रों के माध्यम से। तो जब तक हमारा दीक्षा नहीं हुआ, तब तक हमारा कृष्ण से अभी कोई संबंध उस प्रकार से नहीं है। यद्यपि हमारा संबंध बीज रूप में तो है, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं है।
इसलिए जो भक्ति का जो सबसे पहला अंग बताया है श्रील रूप गोस्वामी जी ने, भक्ति रसामृत सिंधु में सबसे पहला अंग भक्ति का वो क्या है, आदो गुरु पद आश्रय। आदो यानी कि सबसे पहले क्या करो, पहले। गुरु पद आश्रय, गुरु पद आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। उसके बाद ही फिर सारी क्रियाएं जो है भक्ति की वो फलवती होती है, जिसमें हमारा कृष्ण से संबंध और अनुराग जो है डेवलप होता है। ठीक हाँ है, ठीक अभी ठीक है रखते भाई हैं। हरे जी भाई, कृष्णा थैंक और यू सर। हरे प्रेमानंदे, कृष्णा हरी प्रभु जी, हरी बोल। मेरा एक अच्छा कल्प प्रश्न चतुर्वेशा, हरे कृष्णा। अच्छा था प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन होगा, बताइए। अब मेरा प्रश्न ये था कि एज ए स्टूडेंट कोई कॉलेज का है, तो वो मतलब भक्ति भजन सब करना चाहता है, भगवान का नाम जप करना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, और प्लस उनका एक ये भी सपना है मतलब कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, तो मतलब ये जब दोनों आता है बीच में, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं एक हो जाती है कि मैं मतलब किस लाइन पे जाऊं। अगर मैं सिर्फ भजन करती हूँ तो मतलब क्या कहते हैं कि फिर ये हो जाता ये है कि अर्जुन ने भी तो, अर्जुन नहीं, देखो देखो देखो, अर्जुन ने भी तो युद्ध किया ही था ना, अर्जुन ने भी तो युद्ध किया था भगवान को स्मरण करते हुए, तो उसमें क्या दिक्कत है। बल्कि आजकल तो भारत में जितने भी डॉक्टर्स हैं, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो पेशेंट को हृदय से ट्रीट करता हो। लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सब जीवों के प्रति, जब आपका कृष्ण से संबंध हो गया, जब भक्त का कृष्ण से संबंध हो जाता है, तो वो सब जीवों को कैसे देखता है, वो सब जीवों को कृष्ण के संबंध से देखता है, उस सब जीवों के प्रति करुणा रखता है। अभी हम सुन रहे थे ना 12th चैप्टर के लास्ट में, कि मेरे भक्त कैसे होते हैं, जगत के प्रति ममता शून्य होते हैं और कृपामय होते हैं, सबके प्रति वो कृपा रखते हैं। तो अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनते हो और आप कृष्ण भक्त हो, तो आप तो पेशेंट्स का बहुत अच्छा इलाज कर पाओगे। जैसे हमारे डॉक्टर संदीप जी है लुधियाना में, वो इतना अच्छा प्रचार भी करते हैं, उनकी वाइफ भी डिवोटी है, उनका छोटा सा बच्चा है, उसको भी उन्होंने इतने सारे श्लोक याद करवाते हैं, कृष्ण प्रणाम मंत्र याद कराते हैं। उनके क्लिनिक में जितने लोग आते हैं, वो अपने पेशेंट्स को वेल और बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। आजकल के तो डॉक्टर सब लूटते हैं, लेकिन वो तो अपने पेशेंट्स को, किसी का पैसा नहीं हो तो फ्री में भी उसका इलाज कर देते हैं। कितने अच्छा उनका आचरण है, बाकी कितने सारे लोग उनसे प्रभावित हैं। मठ में जब वो यहाँ पे आते हैं, उनके डॉक्टर प्राण और ये सब लोग, कितने लाखों की मेडिसिन ये लोग यहाँ पे भक्तों को देते हैं, फ्री में सब भक्तों का इलाज करते हैं। तो अगर किसी भी चीज को भगवान की सेवा से कनेक्ट करते हो, तो वो बहुत अच्छा है। हम लोग हर साल नदी परिक्रमा में जाते हैं, कितने लाखों रुपए की दवाइयाँ हजारों लोगों को फ्री में बांटी जाती है, वो डॉक्टर्स लोग ही होते हैं जो स्पॉन्सर करते हैं, कितने लोग डॉक्टर्स वहां पे फ्री में सेवाएं करते हैं भक्तों के लिए। तो ये तो अच्छा है, अगर आप डॉक्टर बनो या कुछ भी अच्छा जी, भक्त तो मतलब अगर, ऐसा होता है ना कि जब अगर हम कॉलेज में अगर फ्रेंड्स हैं तो ये सारी बातें हम उनसे भी शेयर करते हैं कि मतलब सिर्फ हमारा एम सिर्फ ये सब बनना नहीं है, हमारा गोल कुछ और है, ये सब सिर्फ हमारे यहाँ के लिए है, हमारा एम कुछ और है। तो मतलब उन लोगों को लगता है कि हम जो अभी कर रहे हैं ना यही हमारा मतलब यही हमारी उनके कोचिंग लिए, तो उनके लिए डॉक्टर बनना ही सब कुछ है, लेकिन आपके लिए डॉक्टर बनना सब कुछ नहीं है। आपको पता है कि उसके आगे भी कुछ है, मेरा जीवन केवल डॉक्टर बनने तक नहीं है, उसके आगे क्या। लेकिन आप तो लाइफ के अल्टीमेट गोल को जानते हो ना, तो आपका तो अच्छा है। और जो हमारा जीवन का अंतिम उद्देश्य है, वो सबको बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई लोग उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते उस चीज को। जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं ना कि वो चला गया, ये चला गया, वो चला गया, सब लोग बोल रहे हैं कहाँ चला गया, पूछो उनसे, उनको पता ही नहीं। डॉक्टर बोलते हैं ही इज नो मोर, वो चला गया, कहाँ चला गया। तो हम तो उसी की तैयारी कर रहे हैं ना कि हमें कहाँ पे जाना है, लेकिन वो लोग तो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उनको जो भौतिक लोग हैं उनके सामने डिस्क्लोज करने से वो उसका मजाक ही उड़ाते हैं, इसलिए उनको क्यों बोलना। जैसे एक बारी एक हंस था, हंस हंस क्या करता है, हंस कमल का जो फूल होता है ना, उसके अंदर से अमृत को निकालता है, उसके अंदर से रस निकाल के पान करता है। और जो कौवे होते हैं, कौवे क्या करते हैं, कौवे का कुछ लेना देना नहीं है कमल से, कौवे को चाहिए मरा हुआ चूहा, मरी हुई छिपकली, टूटा हुआ अंडा, उसको गंदी गंदी चीजें खाना पसंद है। तो बहुत सारे कौवे बैठे थे, उन कौओं के बीच में आके एक हंस बैठ गया। तो कौओं ने बोला, अरे तू क्या बैठा है यहाँ पे, देख यहाँ पे कितना सुंदर मरा हुआ चूहा पड़ा है, कितने मरे हुए जानवर पड़े हैं, चल इनको खा। हंस ने बोला, तुम पागल हो क्या, क्या खा रहे हो, ये कोई खाने की चीज है। अरे मैं तो मानसरोवर में जाऊंगा और वहां पे मैं जो कमल है उसके अंदर से मैं कमल के मकरंद को पान करूंगा। अब कौवे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, वो होते हैं हंस, जो कृष्ण के चरणों का मकरंद बान करते हैं। और इस संसार के जो लोग हैं, वो सब कैसे हैं, काक के समान है, कौवे के समान है,
जो इस संसार के मल को खाते हैं, कौआ मल मल वाली चीजें खाता है, तो इसलिए कभी भी उनका आपस में संबंध बनता नहीं है, इसलिए उनको बताने की जरूरत नहीं, वो तो मजाक ही उड़ाएंगे। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा बहुत प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। Thank you.